viscobiology. Now today we are going to it, and today we are talk about that the human physiology. What is the human physiology? In previous class we will detail studies. Now the what the our strategies of the learning process of the crash course cum key talk. Okay. So now today start from human physiology. What is the human physiology in which deal इसके अंदर अपन बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले फर्स्ट अपन को किसकी बात करनी है अपन को डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करनी है फिजियोलॉजी की जब भी बात आए तो ये बात क्लियर करना अपन को कि फिजियोलॉजी का मीन क्या है व्हाट इज फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी मींस दैट द वर्किंग प्रोसेस एनाटॉमी तो अपन को पढ़नी ही है मींस उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है साथ साथ अपन को बात करनी है कि उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है अपने जगह अंदर अगर बात करेंगे 11th और 12th के सिलेबस के अंदर नीट के अंदर अपने को बात करने की इसकी फिजियोलॉजी बननी है ओनली ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं अभी अपन ठीक है बात करें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डाइजेशन व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन डाइजेशन का मीन क्या होता है डाइजेशन का मीन है क्या तो इसने एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया है डाइजेशन का मीन्स हाइड्रोलाइसिस किसका हाइड्रोलाइसिस जो भी अपन फूड गेन करते हैं ध्यान देना अच्छे से जो भी फूड अपन लेते हैं वो फूड या मटेरियल जो अपन खा रहे हैं अपन जो टेक कर रहे हैं वो कौन सा होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को किसके अंदर कन्वर्ट करना माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स में मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अपन कहेंगे हाइड्रोलाइसिस और यही प्रोसेस क्या माना जाता है आपका डाइजेशन ठीक है ये अपन एक और थिंग्स में अपन बात कर सकते हैं मैक्रो मींस लार्जर पार्टिकल्स और माइक्रो मींस स्मॉलर पार्टिकल्स ना अपन ने जैसे पूरी खाना रोटी खाई जो भी एक्स वाई जेड अपन खा रहे हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है अपनी बॉडी उसको एडजस्ट या अपनी सेल्स से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो अपनी बॉडी क्या करेगी डाइजेशन सिस्टम के अंदर क्या करेगी उन माइक्रो सॉरी मैक्रोमोलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेगी ब्रेक डाउन करेगी और किसमें कन्वर्ट कर दिया आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर क्लियर नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दी Human digestion. What do you mean by human digestion? Human digestion is the complex process. It's complete in the two ways, known as the mechanical process, and second thing is the biochemical process. That this mechanical process are complete in mouth. अपन जब भी खाना खाते हैं तो अपने जो teeth है ना क्या करते हैं कोई श्वयन करते हैं छुपाने का काम करते हैं ताकि जो भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स आपने खाना खाया है वो एग्जैक्टली क्या हो जाए आपके स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर स्मॉलर टुकड़ों के अंदर टूट जाए तो मैकेनिकल प्रोसेस कहाँ होता है आपके माउथ के अंदर और बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एंजाइम्स मिलेंगे आपके और एंजाइम्स मिलके इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा तो ये प्रोसेस कहाँ होता है माउथ प्लस स्टमक एंड इंटेस्टाइन ये प्रोसेस सारा इसके अंदर होता है तो केवल मैकेनिकल प्रोसेस कहाँ हो रहा है मैकेनिकल मींस आप रोटी का टुकड़ा ले रहे हो खा रहे हो फिर आपके माउथ क्या आपके टीथ क्या कर रहे हो उसको चबाने का काम कर रहे हैं तो मींस माउथ में मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है और माउथ से ही आपके सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंस है पढ़ेंगे आगे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंस है दिस सलाइवरी ग्लैंड्स आर की है ना इनका मेन काम है क्या ना जो की फंक्शन है वो की फंक्शन कौन सा है प्राइमरी डाइजेशन फूड का प्राइमरी डाइजेशन जो होता है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है आपके तो कहेंगे माउथ के अंदर ड्यू टू द कहेंगे किसकी वजह से होता है तो अपन कहेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से क्लियर सबको समझ में आ रहा है ये अच्छे से कुछ भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ठीक है चलिए अब ह्यूमन डाइजेशन को वापस टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया है दो पार्ट में पूरा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पूरा दो पार्ट में डिवाइडेड है अभी अपन केवल उसकी ना
एक तरह से एनाटॉमी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में अपन इसके साथ साथ में फिजियोलॉजी भी देख रहे हैं, लेकिन डिटेल फिजियोलॉजी अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेशन के अंदर आपके टू ऑर्गन्स आपके मेन रोल प्ले करते हैं, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल, और सेकेंड कौन सा? आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए अपन स्पेसिफिक एक अलग लेक्चर बनाएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे, तो उसको अपन यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अपने को आज पूरी पूरी बात डिटेल के अंदर बात करनी है, वो किसकी बात करनी है? आपके एलिमेंट्री कैनाल की बात करनी है, फुल टू एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन देखेंगे। तो कितने पार्ट से मिलकर बनी है एलिमेंट्री कैनाल? तो कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल आर कंसिस्ट किस किस से मिलकर बनी है? तो फर्स्ट कहेंगे अपन ओरल कैविटी, जो आपके माउथ है ना, माउथ का वाला पार्ट है ये ओरल कैविटी, कंसिस्ट ऑफ द टीथ एंड टंग। इसके अंदर क्या आपके तो टीथ है, और दूसरा कौन सा? आपके टंग है या आपके लिंगुआ, ठीक है। सेकेंड आपके ईसोफेगस, थर्ड स्टमक है, फोर्थ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिफ्थ आपके लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब से मिलकर पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल बनी रहती है। लेट डिस्कस व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सी दैट ये आपके ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन पूरा डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से इसके अंदर आपके मैनेज रहता है, ओके। मेरे को बात करनी है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल आपके कहाँ से स्टार्ट होती है? तो अपन बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से लगाकर, डट्स द माउथ, माउथ से लगाकर माउथ टू एनस तक आपके एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंस होती है, जिसके अंदर टू ओपनिंग्स रहती है। ये बात आपने 11th के अंदर अपने पढ़ी होगी आपने, है ना। चलिए एनिमल किंगडम के अंदर अपन बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले अपन ने क्लियर बात कर ली थी कि ओरल कैविटी क्या है। तो ओरल कैविटी के अंदर अपन पहली बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट आपके टीथ की बात करते हैं। ध्यान देना अच्छे, समझना इस चीज को, टीथ किस टाइप के रहते हैं? तो अपन को पता है कि अपने जो टीथ होते हैं ह्यूमंस के, वो टीथ कौन से माने जाते हैं? आपके थैकोडोंट। व्हाट डू यू मीन बाय थैकोडोंट? अपने जो टीथ है वो जॉज के अंदर क्या रहते हैं? इम्बेडेड रहते हैं, जॉज के अंदर धसे रहते हैं, ऊपर नीचे या धॉस के अंदर, जो जॉज है अपने उसके अंदर इम्बेडेड रहते हैं। तो इस टाइप के इम्बेडेड जॉज को अपन क्या कहेंगे, किस टाइप के टीथ मानेंगे? थैकोडोंट, ओके, इज अ की कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड इज द डाइफायोडोंट। ह्यूमंस टीथ आर अ डाइफायोडोंट, मीन्स दैट ह्यूमन टीथ या कहेंगे ह्यूमन टीथ जो है आपकी लाइफ में टू टाइम्स आते हैं, दो ना टू टाइम में। एक तो फर्स्ट अपन कहेंगे, पता है सबको, मिल्क टीथ, और सेकेंड आपके होते हैं परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ रहते हैं, जैसे ही आएंगे, आने के बाद में एक अप्रोक्सीमेटली एज रहती है आपके 8 to 10 years, 8 to 12 years, है ना। इस एज के अंदर आपके ये टूट जाते हैं एंड देन कन्वर्ट इनटू द एंड न्यू, जैसे ये टूट गिर दिए तो आपके न्यू कंजेंट के अंदर ये कहेंगे नए फॉर्मेशंस करते हैं, वो टीथ आपके परमानेंट कहलाए जाते हैं। और ये इनके नंबर टोटल कितने होते हैं आपके? 32। ये 32 कैसे है? तो अपन बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला के अंदर। डेंटल फार्मूला क्या कहा जाता है आपके, अगर बात करें अपन ह्यूमन के डेंटल फार्मूला की बात करें, तो आई का मतलब होता है इंसीजर्स, है ना, सी का मतलब कैनाइंस, ध्यान देना, टी एम का मतलब प्रीमोलर्स, और इसका मतलब मोलर्स, ठीक है। ये किस तरह से मैनेज रहते हैं, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका एक जॉज है, ठीक है, समझना, या अपर लोअर जो भी आप समझे, एक अपर जो होता है, एक लोअर जॉज होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आप कीजिए लोअर जॉज की बात कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? लोअर जॉज की बात कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसको मैनेज करूँ,
दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने, अपर जॉज को भी लेफ्ट राइट के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया, लेफ्ट और राइट। इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स की बात करें, इंसीजर्स कितना रहेंगे तो टू इंसीजर्स होते हैं, एक यहां पे एक यहां पे, टू क्या रहेंगे आपके इंसीजर्स। फिर एक कैनाइन जो चीता के अंदर जो है ना, अब हम एग्जैक्टली बात करेंगे, कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स नाम क्यों पढ़ा उनका, कैनाइन, कैनाइंस होते हैं अपने अंदर भी, कैनाइंस है एक ये है ना। तो कैनाइंस कितने होते हैं अपने अंदर, सिंगल, तो एक लंबा सा ऐसा कैनाइंस प्रेजेंस होता है। तो वैम्पायर्स को क्या, वैम्पायर देखे होंगे आपके, वैम्पायर्स के लंबे दांत निकलते आगे से है ना। फिर प्री मोलर्स की बात करें अपन, तो इनके नंबर्स भी कितने होते हैं आपके, टू, जो अपन कहेंगे जो दाढ़ बोलते हैं ना आप, यही, तो ये प्री मोलर्स वन टू, ओके टू। एंड मोलर्स आपके कितने प्रेजेंस होते हैं, थ्री, वन टू एंड थ्री। कितने नंबर्स हो गए देखे मेरा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, लेफ्ट में एट, सेम थिंग्स अपोजिट राइट साइड एट, टोटल कितना हो गया लोअर जोस के अंदर 16। और इसी तरह से देखे तो लोअर का, उसके बाद में आपके अपर की बात करेंगे तो अपर में भी कितने सेम रहेंगे, तो आपके 16 मल्टीप्लाई टू, टोटल 32। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला क्या बना अपर और लोअर का, तो अपन बात करेंगे देखिए, टू वन टू थ्री, टू वन टू थ्री एंड टू वन टू थ्री, दैट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द ह्यूमन टीथ। कभी भी आपको बात की जाए कि ह्यूमन टीथ का डेंटल फॉर्मूला कितना है, तो टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री, दैट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द ह्यूमन टीथ की बात की अपन ने, ठीक है। सेकेंड थिंग्स बात करते हैं अपन, टंग, जो लिंगुआ गोंग कहते हैं, जो बड़ी टंग है, ये जो बाहर अपने टंग दिख रही है, टंग पीछे जाके कनेक्टेड है, जहां से जिस बेस से जाके कनेक्टेड है उसको अपन कहेंगे फ्रेन्युलम। याद रखना ये की पॉइंट है, किससे कनेक्टेड है आगे जाके, ये फ्रेन्युलम से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ये फ्रेन्युलम से। अब इस पूरे अगर टंग के ऊपर बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे पेपिलीज होते हैं, ये टंग है पीछे से आपसे कनेक्टेड है, उसको अपने नाम दे दिया फेनुलम, और उसके ऊपर बहुत सारे क्या प्रेजेंस होते हैं आपके, पेपिलीज होते हैं, और इसी पेपिलीज के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंस होता है आपके, टेस्ट बड, जिस वजह से आपको टेस्ट का पता चलता है कि आपको, आप कौन सा खा रहे हो कौन सा नहीं खा रहे हो, यहाँ तक कि सब कुछ अच्छा नहीं अच्छा लगता, अंदर जाके सब कुछ एक हो जाता है। तो टेस्ट का पता करने के लिए टेस्ट बड प्रेजेंस होता है किसके ऊपर, आपके पेपिलीज के ऊपर। तो अपन ने ये जो सारी बातें की, वो किसकी बात की, अपन ने बकल कैविटी के अंदर किस किस की बात की है, तो अपन कहेंगे बकल कैविटी या ओरल कैविटी, एक ही बात है, कन्फ्यूज मत होना। ओरल कैविटी में टीथ की बात की, टंग की बात की। इसके अलावा जब भी कोई फूड आप इनटेक करते हो तो सीधा फूड आपके बकल कैविटी में पहुँचता है, बकल कैविटी में पहुंचते ही सीधा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने पहले ही कहा था मैकेनिकल प्रोसेस माउथ करता है, लेकिन डाइजेशन जो कहेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो कहाँ कहाँ होता है, माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। तो मींस क्या हुआ, जैसे अपन ने खाने को लिया सीधा डाइजेशन स्टार्ट, तो डाइजेशन कौन कर रहा है, हा? लार ग्रंथि, आपने नाम सुना होगा, स्लेवरी ग्लैंड्स कर रही है, कौन कर रही है, स्लेवरी ग्लैंड, देयर आर थ्री टाइप्स, थ्री सलाइवरी ग्लैंड्स है, फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड है सबलिंगुअल ग्लैंड्स और थर्ड है आपके सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड जो आती है वो कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड, और इसी से मोस्ट ऑफ सिक्रेशंस या मोस्ट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस होता है इससे। और तो अपन कहेंगे जो प्राइमरी, अपन डाइजेशन में पढ़ेंगे कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, वो बात की बात है अपन, हाँ, जब एंजाइम की बात करेंगे तो अपन अभी केवल अपन एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन कौन सा आपके क्या रिलीज करता है, ये सब आपके बकल कैविटीज के अंदर क्या रिलीज करता है, स्लाइवा, और यही स्लाइवा आपके क्या करता है, फूड का डाइजेशन, जो प्राइमरी डाइजेशन है वो कहाँ होना स्टार्ट हो जाता है, इस बकल कैविटीज के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जैसे एक तो आपका नॉस्ट्रिल है और सेकेंड आपके माउथ है, नॉस्ट्रिल और माउथ दोनों के दोनों आपके बकल कैविटी में ओपन होते हैं,
पीछे जाकर एक कॉमन पाथवे के अंदर आपके खुलते, इस कॉमन पाथवे का नाम है फेरिंग्स। ध्यान देना, फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है जो आपके नोस्टिल और ये बकल कैविटी का माउथ, माउथ और नोस्टिल दोनों आगे जाके पीछे जाके कॉमन पाथवे के अंदर खुलते हैं। वो कॉमन पाथवे कौन सा, तो बना देंगे अपन फेरिंग्स, ठीक है। इससे यही वो फेरिंग्स है। अब इस फेरिंग्स के अंदर आपके दो पाथवे जा रहे हैं, एक तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, यहाँ से आपके ट्रेकिया की तरफ जो आपके लंग्स के अंदर जाएगा, एक आपके जिधर जाएगा इसोफेगस जो आपके फूड पाइप लगा है। कभी आपने सोचा ऐसा कि अपन कुछ भी खाना खा रहे, वो खाना आपके इसमें क्यों निकला जाता है, इस ट्रेकिया में क्यों नहीं आ जाता? तो इस ट्रेकिया में नहीं जाए इसके लिए वहाँ पर एक ढक्कन लगा रहता है ना, एक यहाँ पे कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम देंगे अपन एपिग्लॉटिस। क्या नाम दे दिया अपन उस कवरिंग का, नाम क्या देंगे अपन, एपिग्लॉटिस। यही वो एपिग्लॉटिस है, जैसे अपन फूड खाते हैं तो तुरंत ये ढक्कन आपके बंद हो जाता है ताकि फूड पार्टिकल सीधे आपके ट्रैकिया या कहेंगे अपन आपके फूड पाइप, आपकी जो नली है जो आपके विंड पाइप है, विंड पाइप में ना जाए। लेकिन कभी कभार कंडीशन ये भी प्रोड्यूस होती है, देखा होगा आपने कभी खाना खाते हैं तो तुरंत पीछे से एकदम मार लेता है, जल्दी जल्दी में खाते हैं तो आपको हिचकियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है। हिचकियाँ आती क्यों है, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? बिल्कुल यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है कि जैसे आपने ये फूड लिया यहाँ से, और ये फूड अगर बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो तो यहाँ तो जा ही रहा है, लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में इसमें भी आपके एंट्री कर लेते हैं छोटे से पार्टिकल, तो तुरंत आपको हिचकियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर पानी वानी पीते हो आप जो भी है ना, तो जब भी हिचकियाँ आए समझ जाना कि छोटे को फूड पार्टिकल्स आपके किसके अंदर एंट्री कर गए, आपके विंड पाइप के अंदर। क्लियर हुआ? ये अपन ने पूरी किसकी बात की, अपन ने तो अपन ने पूरी बात की बकल कैविटी की बात की है, क्लियर ना। चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसोफेगस। इसोफेगस क्या, जैसे आपके ये पूरा इसोफेगस, इस इसोफेगस में कहूंगा फूड पाइप, ये क्या आपका फूड पाइप, और जो ट्रेकिया है इसका नाम दूंगा मैं विंड पाइप, जहाँ इसके अंदर हवा चलती है। अभी इसकी अपन बात नहीं करनी है क्योंकि ये तो आगे जाके कहाँ लंग्स के अंदर खुलेगा, तो अपने को यहाँ पे डाइजेशन की बात करनी है। लेकिन केवल अपन बात किसकी करेंगे, यहाँ पे अपन डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अपन को इसकी बात नहीं करके आगे इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। इसोफेगस, इसोफेगस इज द मस्कुलर ऑर्गन, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, एपिथेलियम सेल्स के अंदर आपके प्रेजेंस होती है, एपिथेलियम की लेयर होती है, इस वजह से इसके अंदर आपके जैसे खाना आता है तो आप बढ़ता जाता है, इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है खाने का, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से आपका फूड यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है। अब जैसे फूड यहाँ से लगाकर यहाँ आएगा तो यहाँ पर और इस जगह पर दो आपके स्पिंक्टर रहते हैं, बात करेंगे अपन आगे नेक्स्ट स्पिंक्टर की स्पेशल इतिहास के अंदर। फिर बता देता हूँ, इसको अपन कहेंगे अपर इसोफेगल स्पिंक्टर, क्या कहेंगे अपर इसोफेगल स्पिंक्टर, और इस लोअर का नाम देंगे लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर। मतलब हुआ क्या, कभी खाना खाया ऐसा नहीं कि तुरंत बैक चला जाए वापस, नहीं बैक कभी नहीं जाएगा, नहीं जाने की वजह से कपा कर वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर के आपके स्पिंक्टर प्रेजेंस होते हैं। ये स्पिंक्टर से आपके सीधा फूड का आपके एंट्री करता है आपके स्टमक के अंदर, और मैक्सिमम फूड का जो आपके डाइजेशन होना है वो किस जगह होगा, तो अपन का आपके बात करेंगे अपन इस स्टमक पोर्शन के अंदर। तो स्टमक आपके फोर पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। जब भी आपका फूड जाएगा पहले फर्स्ट आएगा तो किस पार्ट में आता है, तो कार्डियक पार्ट में आता है। किस पार्ट में आता है, कार्डियक पार्ट में। तो स्टमक है वो फोर पार्ट, फर्स्ट अपर इज द फंडस, फिर सेकेंड कार्डियक पार्ट, फिर मेन बॉडी एंड द पाइलोरिक पार्ट। पढ़ेंगे आगे किस तरह से इसके अंदर डाइजेशन होता है, कौन कौन रोल प्ले करता है, क्या सीक्रेशंस होते हैं इसके अंदर है ना, इसके भी गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशंस होता है, कौन रोल प्ले करता है मेन, ये सब अपन को नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करनी है, ठीक है। फिर यहाँ से जो आगे फूड जाता है वो सीधा आपके किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ड्यूडेनम का है क्या, मीन क्या है। यहाँ पर अपने पास में ड्यूडेनम ये रहा, देखिए जरा ड्यूडेनम, फिर सेकेंड है आपके जेजुनम,
और थर्ड है आपके ईलियम, दैट इज द थ्री पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलियम, DJI, ये तीनों किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट है, ठीक है। तो जैसे फूड आपके कहाँ एंट्री करेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से स्टार्ट हो जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करने पर यहां पर भी एक आपके स्पिंक्टर रहेगा, जो क्या नाम देता है, पाइलोरिक स्पिंक्टर, क्या नाम देंगे इसको अपन, पाइलोरिक स्पिंक्टर, ताकि फूड वापस यहां से बैक ना आए, ठीक है। यहां आते आते फूड आपके एक तरह से स्लरी बन जाती है, ठीक है ना। अब ये पूरा जूस है जो आपकी स्लरी बनी है वो सीधा इसके थ्रू इसमें आपके ओपन होता है, ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है, ड्यूडेनम के ओपन होने की जस्ट पीछे की साइड में, या कहेंगे जहां से ओपन हो रहा है वहां पे एक स्पिंक्टर है, उस स्पिंक्टर का नाम क्या आपके, पाइलोरिक स्पिंक्टर, ताकि कि फूड आपके बैक ना जाए, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फूड जैसे ही आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते से पहले यहां पर आपके जूसेस को मिला दिया जाता है, एक तो आपके पैंक्रियाटिक जूस को और दूसरा आपके लीवर से आता है, उसको अपन बाइल जूस कहेंगे, पैंक्रियास से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस, बा आपके लीवर से आने वाला आपके बाइल बाइल जूस, ठीक है। तो ये दोनों यहां से आपके इधर से, एक तो आपके अपर साइड से आ रहा है, एक लोअर साइड, दोनों आके, तो दोनों किस तरह से आएंगे, तो अपन पहले लीवर की बात करते हैं। तो लीवर के अंदर अपन देखें एग्जैक्टली दो मेजर पार्ट से मिलकर बना, एक तो आपका लेफ्ट और राइट लोब है, ये दोनों लोब आपस के अंदर कनेक्टेड है, ये कनेक्शन एक लिगामेंट के थ्रू हो रहा है, उस लिगामेंट का नाम क्या है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट दोनों मींस लीवर के दोनों पार्ट को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। दोनों लिगामेंट से टू ट्यूब्स आर इमर्ज आउट, नोन इज द बाइल डक्ट, क्या नाम देंगे अपन, बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट, यहाँ ये बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट है, यहां से जितना भी इसके अंदर हिपेटिक सेल्स है, पता है ना आपको हिपेटिक सेल्स क्या है, तो अपन बात करेंगे एग्जैक्टली कि सपोज कि अपनी बॉडी किससे बनी हो, सेल की बनी होती है, तो लीवर किसका बना होता है, तो कहेंगे हिपेटिक सेल्स का बना होता है। तो हिपेटिक सेल से ही आपके जो भी जूस रिलीज होगा, जो बाइल जूस रिलीज होगा, वो बाइल डक्ट के थ्रू आगे बढ़ेगा, लेकिन कुछ आपके स्टोर होता है किसके अंदर, आपके गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, जैसे जरूरत रहती है देन यूज, है ना, बाद में यूज होता रहता है। नेक्स्ट, जब ये दोनों बाइल डक्ट आपस में मिलती है, तब इसका नाम दे देते हैं अपन हेपेटिक डक्ट। दोनों बाइल डक्ट देखिए आप, यहाँ पे दोनों बाइल डक्ट आपके जुड़ी, तो नाम क्या दे दिया अपन ने, हेपेटिक डक्ट। ये हिपेटिक डक्ट यहां से आगे बढ़ी, और यहां से कौन सी, पैंक्रियाटिक डक्ट आई, हिपेटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, क्या नाम हो गया उसका, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, या कहेंगे जहां मिल रही है, जहां पर ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन होगी, उस पार्ट का नाम देंगे अपन हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, क्लियर हुआ। चलिए नाउ नेक्स्ट फर्दर आगे, जैसे ही आपके, अब देखिए ये कौन सा ड्यूडेनम का पार्ट सीधा किसके अंदर खुलता है, नेक्स्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल के सेकेंड पार्ट जेजुनम के अंदर खुलता है, इस जेजुनम के अंदर एब्जॉर्प्शन जितना भी होना वो पूरा हो जाता है आपके, ठीक है, पूरा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होने के बाद में, अब जो जो इलियम, इलियम से वापस स्टार्ट होता है, अब इलियम से सीधा स्टार्ट होगी आपके लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, वैसे इंटेस्टाइन का मेजर काम ही होता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका। तो जो आपने फूड लिया है, फूड है जो फूड के पार्टिकल्स है, जो फूड के पार्टिकल्स आपके गए, ग्लूकोज गए, जितने भी मिनरल्स है, उन सबका आपके यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन, इन दोनों का काम ही क्या, एब्जॉर्प्शन करना, और बाद में जो मटेरियल बचेगा वो बाद में आपके असेंडिंग डिसेंड ट्रांसफर और आपके डिसेंडिंग लूप के होते हुए रेक्टम एनल एनस के थ्रू उसको अपन क्या कर देते हैं, डिचार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, क्या इसके अंदर मेन मेन पॉइंट अपन ने पूरी बात करने की कोशिश की है, फिर भी कोई रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें,
है ना। तो ये अपन ने पूरा बात की कि क्या है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। कल अपन नेक्स्ट जो भी अपन जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। ओके क्लियर, बाय।